हेलो गेमर्स, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आ चुका है ग्रैंड आरपी में मेरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर अपडेट एक साथ। सो गाइस, आज हम इस अपडेट के ऊपर बात करेंगे। क्या है इस अपडेट में खास, क्या आपको करना चाहिए, क्या आपको नहीं करना चाहिए, मिशन कैसे कंप्लीट करना है, सारी चीजें हम इस अपडेट में बात करेंगे। फिलहाल अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए लाइक। सबसे पहले हम आज बात करेंगे हमारे बैटल पास के बारे में, क्योंकि मेरे केस में न्यू ईयर अपडेट को हम बाद में कवर करेंगे। सबसे पहले हमारा बैटल पास जरूरी है, जिसको सबका वेट रहता है। तो चलिए देखते हैं हमारे बैटल पास में इस बार हमें क्या क्या देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हमें बैटल पास में आप देख सकते हो मेडकिट मिल रही है। वाओ, ये तो सरप्राइज हो गया मैं भाई, शुरू में ही मेडकिट दे रहे हैं। मेडकिट को इग्नोर करते हुए हम आगे देखते हैं हमें और क्या क्या देखने को मिलता है। शुरू में हमें स्टार्टर और प्लेटिनम को देखने को मिल गए हैं। उसके अलावा हमें कुछ यूनिक चीज़ें डाली गई है, जैसे कि ड्रम वगैरह। मुझे तो लग रहा है कैनिस्टर वगैरह डाल रहे हैं ये शायद इसमें। हमें शुरू में पिकेक्स वगैरह सब फ्री में आ रही है, तो बहुत अच्छी चीज़ है फ्री वालों के लिए। लेवल 3 की चीज़ें उनको फ्री में मिल जाएगी। बाकी ये फ्री में इन्होंने एक जोकर वाला मास्क डाला है, ये थोड़ा अच्छा लग रहा है देखने में। इसके अलावा इन्होंने प्रीमियम प्लस में हेड गियर वगैरह डाला है और एक गाड़ी पर रख दिया इन्होंने क्वेश्चन मार्क। तो ये गाड़ी जो हमें दिख रही है ये भी हो सकती है, या फिर इसके अलावा कोई दूसरी गाड़ी हो सकती है। फिलहाल अभी कंफर्म नहीं है, इस लेवल पे पहुंचने का ही पता चलेगा। इसके अलावा इन्होंने फिर से प्लेटिनम प्राइम प्लस में, दोनों प्लस में आए भाई, क्या बात। जो भी प्लस में आता है प्लेटिनम प्राइम, वो 30 डेज का होता है। बाकी एक और क्वेश्चन मार्क, फिर एक कार। तो इन्होंने इस बार पूरी कोशिश करी कि सस्पेंस बना के रखेंगे भाई बैटल पास में, ताकि बंदे जुड़े रहे और बंदे इनको पाने के लिए मेहनत करें। तो इन्होंने सस्पेंस तो बना रखा है काफ़ी अच्छा खासा। फिर से एक और क्वेश्चन मार्क, एक और कार। लेकिन ये वाली कार हमें दिख रही है, ये प्रीमियम में मिलेगी। लेकिन उसके बाद लगातार तीनों में ग्रैंड पॉइंट, क्या बात। ओके, नेक्स्ट करते हैं, आगे देखते हैं क्या है हमें। इसके अलावा एक और हमें मास्क मिल जाते हैं, शूज मिल जाते हैं, और एक टोपी भी मिल जाती है। प्लेटिनम प्राइम, स्टार्टअप प्राइम, और फिर से एक क्वेश्चन मार्क कारों के ऊपर। एक क्वेश्चन मार्क बहुत ही ज़्यादा सस्पिशियस है, तो लोग मुझे लग रहा है इसको पाने के लिए तो मेहनत करेंगे ही। सो आपको ये सस्पेंस कैसा लग रहा है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर। क्योंकि ये सस्पेंस एक तो सस्पेंस ही है, ऊपर से इस सस्पेंस के पीछे कौन सा सस्पेंस है वो भी एक सस्पेंस है। तो ये सस्पेंस का गेम जो खेल रहे हैं ना ये ग्रैंड आरपी वाले, ये काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए सस्पेंस है। सो गाइस, अब इन क्वेश्चन मार्कों को इग्नोर करते हुए हम देखते हैं यहाँ पर कुछ विंटर के कपड़े हमें देखने को मिलते हैं। जूस, बीपी पॉइंट्स, एंड फिर से एक क्रेट जिसमें हमें कुछ डायमंड्स वगैरह छप रहे हैं, बाकी बीपी पॉइंट, ड्रग्स, एंड फिर से हमें क्वेश्चन मार्क देखने को मिलते हैं। तो इन क्वेश्चन मार्क के पीछे कुछ भी यूनिक कार्स हो सकती है और सारी डिफरेंट सी होगी, तो ये बात आप ध्यान रखना। बाकी फिर से हमें प्लेटिनम प्राइम, फिर गन्स, और एक हमें नियॉन कार मिलती है जो कि प्रीमियम में है भाई साहब, प्रीमियम में है। एंड गाइस, इस कार के बाद तो इन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन मार्क के ढेर लगा दिए हैं। इनके पीछे क्या है अभी तक कोई नहीं जान पाया है। मैं अपने खुफिया सूत्रों से पता करके आप तक ये सारी चीजें पहुंचाऊंगा जरूर कि इनके पीछे क्या है। तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को कर देना लाइक। लास्ट में हमें ये वाली कार देखने को मिलती है। सो गाइस, इसके अलावा हमारा मेरी क्रिसमस अपडेट के बारे में अब हम बात कर लेते हैं, क्या है उसमें खास, क्या हमें देखने को मिलता है और इनको करने के बाद हमें क्या मिलेगा। तो गाइस, इसके कुछ ये वाले मिशन थे मेरी क्रिसमस के, जिनको मैं अभी आपको बताऊंगा कि कैसे कंप्लीट करना है। बस आपको इनको कंप्लीट करने के बाद ये वाली की मिलेगी, और इस की से आपको क्या मिलेगा चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको शॉप पे जाना है। जैसे आप शॉप पे क्लिक कर लोगे वैसे आपको एक रोलेट नाम की स्क्रीन दिखेगी, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आपको यहाँ पर क्लिक करोगे वैसे ही आपको यहाँ पर चौथे नंबर पर क्रिसमस नाम की रोलेट स्पिन मिल जाएगी, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। और यहाँ पे 5 की से आप एक रोलेट स्पिन कर पाओगे, जिसमें इन्होंने 5 ऑप्शन दिए और पांचों में आपको डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें मिलेगी, डिफरेंट कार, डिफरेंट क्लॉथ्स। तो फर्स्ट वाले में आपको ये वाले हेडगेयर एंड ये वाले क्लॉथ्स मिलते हैं, एंड ये वाली सुपर कार मिलती है जो कि आप अपने हिसाब से ओपन कर सकते हो कि आप में इनमें 5ों में से आपको कौन सी कार चाहिए कि या कौन से कपड़े चाहिए, उस हिसाब से आपको इनको ओपन करना है। तो 5 की का ये ओपन होगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। सो गाइस, आप इस अपडेट को कितने नंबर देना चाहोगे 10 में से, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर। बाकी मैं आपको ये सारी चीज़ें दिखा रहा हूँ, यही चीज़ें इसमें आई है जो कि आपको उन की के बदले ही मिलेगी, वो भी रेंडमली मिलेगी चीज़ें,
कोई भी फिक्स चीज नहीं है, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। एंड गाइस, जो हमारे नंबर 5 की स्पिन है क्रिसमस रोलेट स्पिन में, उसके अंदर हमें एक पुलिस कार देखने को मिलती है, जो कि आप देख सकते हो एक स्पोर्ट कार लग रही है पुलिस की, जिसपे एक पुलिस का लोगो छप रहा है। तो इसको हम निकालने की जरूर ट्राई करेंगे और आपको बताएंगे कि कार कैसी है। बात कर लेते हैं हमारे क्रिसमस की, वो कीस हमें कैसी मिलेगी जिससे हम रोलेट स्पिन कर पाएंगे। तो सिंपली आपको मेरे क्रिसमस वाले इवेंट में जाना है और वहाँ पे आपको कुछ इस 5 प्रकार के मिशन देखने को मिलेंगे, जो कि काफ़ी आसान है करने में। तो पहला है हमारा गिफ्ट डिलीवरी, तो सिंपली हमारा पहला है गिफ्ट डिलीवरी, दूसरा है हमें स्नो बनाना है, तीसरे में हमें ट्री को ठीक करना है। तो हम सबसे पहले पहला वाला कर लेते हैं। सो गाइस, पहले मिशन में सिंपली आपको डिलीवरी करनी है, तो आपको सिंपली 5 से 6 घरों में जाना है और कुछ इस प्रकार आपको येलो आइकन दिखेगा, आपको सिंपली यहाँ पे जाना है कि आप तो पैदल जा सकते हो या आप कार से जा सकते हो, तो आपके ऊपर है। और जैसे आप 5 घरों में या 6 घरों में डिलीवरी करते हो तो आपको एक की देखने को मिलती है कुछ ऐसे। तो मुझे की मिल चुकी है और मेरा मिशन अब कंप्लीट हो चुका होगा। चलिए देखते हैं, देख सकते हो आप मेरा ये वाला मिशन कंप्लीट हो चुका है और मैं आपको एक और मिशन कंप्लीट करके दिखाता हूँ, जो कि हमारा लास्ट वाला है, किलिंग द क्रिसमस थीव। जैसे हम 5 नंबर वाला टास्क लेते हैं हमें उसकी लोकेशन आ जाएगी, हमें सिंपली उस लोकेशन को फॉलो करके वहाँ पर पहुँचना है और वहाँ पर हमें एक सेंटा मिलेगा ऐसे खड़े हुए। तो हमें सिंपली अपनी गन निकालनी है और सीधे उसको एक हेडशॉट देना है और वहीं पे हमें एक की मिलती है एक और, बहुत ही इजी तरीके से। तो सारे मिशन काफ़ी ज़्यादा इजी है। एंड गाइस, ग्रैंड आरपी की तरफ से प्रमोशन चल रहा है ग्रैंड कॉइन्स का, तो आपको 15 ग्रैंड कॉइन मिल रहे हैं 5 घंटे खेलने पे, और जिसकी वैलिडिटी लास्ट है 17 तारीख यानी 17 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है। और बाकी X2 प्रमोशन भी साथ में चल रहा है, तो अगर आप अपने रियल मनी से GC खरीदते हैं तो आपको वो GC डबल मिलेगी। तो इसके अलावा हमें एक कार और देखने को मिलती है, ये कार भी बिल्कुल फ्री है गाइस, बस इसके लिए आपको 50 आवर पूरे करने हैं 29 दिसंबर तक, जो कि हर कोई आसानी से कर लेगा। तो आपको ये कार कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना जरूर। सो गाइस, फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, जो जो चैनल पर नए हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलूंगा आपसे ग्रैंड आरपी की नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपने अभी तक ग्रैंड आरपी खेलना शुरू नहीं किया तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से जाइए डाउनलोड कीजिए और जल्दी से आ जाइए ग्रैंड आरपी में।